खट्टी मीठी कहानियां। रेशमा एक सीधी साधी औरत है। उसका पति रमेश शहर के रास्तों पर हाथ रिक्शा चलाता है। रमेश और रेशमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर रेशमा की सास जानकी बहुत लालची और अत्याचारी है। वो हमेशा रेशमा को टोकती रहती है। रेशमा गर्भवती हो जाती है और उसके कुछ महीने बाद हाथ रिक्शा चलाते हुए रमेश का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका देहांत हो जाता है। आप कहाँ चले गए? अब मेरा क्या होगा? तेरी वजह से मर गया है वो। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? बिल्कुल सही कह रही हूँ। अब घर कैसे चलेगा? पता नहीं माँ जी। क्या पता नहीं? तू कल से हाथ रिक्शा लेकर रास्ते पर निकलेगी। मगर मैं पेट से हूँ माँ जी, मैं कैसे हाथ रिक्शा चला सकती हूँ? वो सब मुझे नहीं पता। मैंने बोल दिया तो तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। इस घर से मैं तुझे धक्के मार कर निकाल दूंगी। रेशमा डर जाती है। उसके पास और कहीं जाने की जगह नहीं है, इसलिए अगले दिन वो हाथ रिक्शा लेकर रास्ते पर निकल पड़ती है, मगर उसे कोई भाड़ा नहीं मिलता। हाय भगवान, सुबह से एक भी भाड़ा नहीं मिला। आज रात को खाना कैसे मिलेगा? पैसा लेकर नहीं जाऊंगी तो माँ जी मुझे घर से निकाल देंगी। क्या करूं? साहब, जाएंगे क्या मेरे हाथ रिक्शा में? वो साहब रेशमा को भगा देते हैं। रेशमा खाली हाथ घर आती है। घर लौटते ही जानकी उससे पैसे मांगने लगती है। अरे कलमोही, आ गई तू? आज कितनी कमाई हुई? दे मुझे। आज एक भी भाड़ा नहीं मिला माँ जी, एक भी पैसा नहीं आया। एक भी पैसा नहीं लाई तो हम खाएंगे क्या? तू मेरे बेटे को तो खा गई, अब मुझे भी निगल जाना चाहती है क्या? रुक जा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। ये बोलकर जानकी एक छड़ी लाती है और रेशमा को बहुत मारती है। रेशमा दर्द से चिल्लाती है। मत मारिए माँ, मुझे मत मारिए, मेरे बच्ची को लग जाएगी। माँ मत मारिए, उसका दर्द मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। हे भगवान, मुझे बचाइए। जानकी कोई बात नहीं सुनती, वो रेशमा को मारती रहती है। घर में कुछ बिस्किट पड़े हुए थे, जानकी वो खा लेती है। रेशमा को एक भी बिस्किट नसीब नहीं होता। इसी तरह रेशमा के दिन बीतने लगे। वो दिन भर हाथ रिक्शा चलाकर घर आती और अपनी सास के हाथों मार खाती। अपने होने वाले बच्चे के लिए वो सब कुछ चुपचाप सहन करती रही और माँ दुर्गा को पुकारती रही। हे दुर्गा माँ, मेरे होने वाले बच्चे का ध्यान रखना, बस उसे कोई नुकसान ना हो। मैं माँ हूं ना, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। रेशमा दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। वो हर रोज सुबह मंदिर जाकर दुर्गा माँ की पूजा करती है और फिर हाथ रिक्शा लेकर रास्ते पर निकल पड़ती है। आज फिर वो रास्ते पर निकली है, जोर जोर से चिल्ला के लोगों को पुकार रही है, बुला रही है। आइए आइए बाबू साहब, मेरे हाथ रिक्शा में बैठिए ना। अरे आइए ना, कहाँ जाना है बोलिए बाबू साहब। ओ दीदी, आइए ना, आइए ना इधर, मेरे हाथ रिक्शा में चलिए ना, आइए। अरे अरे सुन रहे हैं? ओ बाबू साहब सुनिए तो। एक औरत रास्ते पर खड़ी थी। रेशमा उसके पास जाती है। दीदी कहाँ जाएंगी? मेरे रिक्शा से चलिए ना। अरे तुम तो पेट से हो, इस हालत में रिक्शा चलाती हो, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? गरीबों को तकलीफ नहीं होती है दीदी,
मैं काम नहीं करूंगी तो खाना नहीं मिलेगा। मैं अभी काम कर रही हूँ ताकि दुर्गा माँ की कृपा से मेरे आने वाले बच्चे का नसीब बदल जाए। आइए ना, मैं आपको छोड़ देती हूँ। वो औरत रिक्शा पर बैठती है। रेशमा रिक्शा पढ़ाती ही है कि तभी रेशमा के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ, लगता है अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। उन्होंने तभी रेशमा को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में भर्ती करवाकर वो चली गई। डॉक्टर साहब ने रेशमा का चेकअप किया और बोला कि बच्चा होने का समय हो गया है, मगर उसके लिए अकाउंट में 2,00,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। 2,00,000? मगर मैं गरीब हूँ, हाथ रिक्शा चलाती हूँ, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? देखिए, वो सब मुझे नहीं पता। किसी घर वाले को खबर भेजो और पैसे का इंतजाम करो, वरना यहाँ से निकाल दी जाओगी। रेशमा ने अपनी सास जानकी को कॉल लगाया और उन्हें सब कुछ बोला। सब कुछ सुनकर जानकी ने कहा, अरे फोन रख कलमुही, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, पड़ी रहे रास्ते में। ये बोलकर जानकी ने फोन रख दिया। पैसा न मिलने पर रेशमा को अस्पताल से निकाल दिया गया। वो रास्ते पर पड़ी रही और दर्द से कराहती रही। मर गई, इतना दर्द, हे भगवान, मर गई मैं, हे दुर्गा माँ, शक्ति दीजिए। उसी वक्त वहां पे वो औरत आई और बोली, अरे तुम यहाँ रास्ते में क्या कर रही हो? क्या करूं, अस्पताल में पैसा नहीं दे पाई, इसलिए मुझे निकाल दिया वहां से। तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पास में ही दुर्गा माँ का मंदिर है, वहाँ आश्रय मिलेगा। रेशमा उस औरत के साथ दुर्गा माँ के मंदिर में चली गई और वहाँ उसने एक लड़की को जन्म दिया। रेशमा का सपना सच हुआ, उसकी बेटी स्वस्थ और तंदुरुस्त है। हे दुर्गा माँ, आज मेरा सपना सच हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा माँ अपने भक्तों की बात सुनती है रेशमा। अरे आपको मेरा नाम कैसे पता चला? आपको तो मैंने अपना नाम बताया ही नहीं, कौन है आप? तभी एक चमत्कार हो गया। चारों ओर चमत्कारी रोशनी खिल गई और वो औरत दुर्गा माँ में बदल गई। रेशमा आश्चर्यचकित हो गई थी। आप दुर्गा माँ हैं? हाँ रेशमा, मैं ही दुर्गा माँ हूँ। मैं इतनी देर से तेरी परीक्षा ले रही थी। तेरे बच्चे के लिए तू दुनिया भर का दर्द सहने को तैयार है, यही एक माँ का परिचय होता है रेशमा। मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वरदान देती हूँ, आज से तुझे किसी भी तरह का दुख दर्द सहने की कोई जरूरत नहीं। तेरे पास दुनिया भर की धन दौलत होगी, जिससे तू अपने बच्चे का अच्छे से लालन पालन कर सकेगी, और जो कोई भी तुझे दुख दर्द देने का प्रयास करेगा वो भस्म हो जाएगा, तथास्तु। ये बोलकर माँ दुर्गा अदृश्य हो गई। रेशमा खुशी के मारे रो रही थी। वो अपनी बेटी को गोद में सहलाने लगी। दुर्गा माँ के वर के हिसाब से रेशमा के लिए एक बड़ा सा महल बन गया। रेशमा के पास बहुत सारा धन दौलत आ गया। रेशमा अपनी बेटी के साथ उस महल में रहने लगी। खुशी खुशी रेशमा का दिन कटने लगा। मगर उस तरफ जानकी को जब ये पता चला, तब वो अपने लालच को रोक नहीं पाई। जानकी रेशमा के पास आ गई। बहू, ये क्या बात हुई, मुझे उस झोपड़ी में छोड़कर तू इस महल में रह रही है? क्यों माँ, आप ही ने तो कहा था ना रस्ते में पड़े रहने के लिए,
फिर आज क्यों आई है यहाँ? तेरे साथ रहने आई हूँ बहू, आखिर है तो तू मेरी बहू ही ना। ये बात तब सोचनी चाहिए थी माँ जी, तब तो आपने हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। जानकी और नहीं सह पाई, वो अपने असली रूप में आ गई। अरे कलमुही, मैं तो तुझे अभी भी मार सकती हूँ, बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे, बहुत पटर पटर कर रही है तू। तुझे मार के ये सारा धन दौलत मैं अपने नाम कर लूंगी। ऐसा मत कीजिए, इसमें आपका ही नुकसान होगा। नुकसान गया भाड़ में, मुझे तो सिर्फ पैसा दिख रहा है, पैसा, ये ले। ये बोलकर जानकी एक डंडा लाई और रेशमा को मारने लगी। उसी वक्त दुर्गा माँ के वरदान के कारण जानकी को अपने शरीर में जलन का एहसास हुआ। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे मेरा बदन जल रहा है। मैंने कहा था ना माँ, आप मुझे नहीं मार सकती, मेरे ऊपर स्वयं दुर्गा माँ का आशीर्वाद है, अब आप अपने किए की सजा भुगतिए। जानकी भस्म हो गई। रेशमा का सारा डर आज पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद रेशमा अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.